दिल्ली से सटे नोएडा में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में यहां लगभग 1700 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लगातार नोएडा में भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मामला देखने के लिए मिल रहा है। यहां भी लगातार अस्पतालों में कई मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की समस्या को लेकर राज्य सरकार भी इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि जिन भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है वहां जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, क्योंकि मरीजों की जान जा रही है। मरीजों के जो परिजन है वो काफी परेशान है ऑक्सीजन को लेकर। ऐसे में ग्रेटर नोएडा के जो ITMP अस्पताल है वहां केवल 48 घंटों के अंदर अंदर इटालियन ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है। आपको बताते चले कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में भी बढ़ रही है ऑक्सीजन की काफी ज्यादा समस्या। ITMP के इस हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है, इसमें 100 से भी ज्यादा मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। कई मरीज परेशान थे ऑक्सीजन को लेकर, उनके परिजनों की मृत्यु हो रही थी ऑक्सीजन को लेकर। इसको लेकर 48 घंटों के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट चालू किया गया है ITMP के द्वारा, मरीजों के लिए केवल मदद मात्र के लिए ही नहीं बल्कि ये काफी सराहनीय काम भी है, क्योंकि इतने कम समय में एक ऑक्सीजन प्लांट चालू कर देना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वो 24 घंटे हमेशा तैयार है मदद के लिए। इसी का नतीजा है कि महज 48 घंटों के अंदर अंदर ग्रेटर नोएडा के ITMP हॉस्पिटल में इस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट इतने कम समय में चालू कर दिया गया है। बाकी की खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।